सफलता की ऐसी कहानी जो बदल देगी आपको सोचने का नजरिया। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन मांज कर घर का गुजारा करती थी। वह लड़का अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था। एक दिन उसके टीचर ने उसे एक पत्र देते हुए कहा, तुम इसे अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ उस पत्र को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगी। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ इस पत्र में क्या लिखा है? माँ ने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपका बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसकी एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। लड़का खुश हो गया और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास कुछ खास है। अगले दिन ही उसकी माँ ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया। उस लड़के ने मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल की। वह लड़का कोई और नहीं महावैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी अचानक उन्होंने अपनी माँ की अलमीरा खोली और उनके सामने सामानों को देखने लगी। उनकी नज़र एक पत्र पर पड़ी। यह वही पत्र था जो उसके टीचर ने उसकी माँ को देने के लिए दिया था। जानो उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इनका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में ही इसे पढ़ाइए। जिस प्रकार पत्र पढ़कर आइंस्टीन की मां ने अपने बेटे की सोच बदल दी, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं। कुछ सोचे कि वो लड़का तो वही था, फिर वो आइंस्टीन कैसे बना? सिर्फ अपनी सोच से। उन्होंने मान लिया कि वो खास है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखती है। कुछ काम की बात। खुद के बारे में हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। आपकी सफलता में इनका महत्वपूर्ण रोल है। आप बेहद खास है, इस बात को अपने दिलों दिमाग में गहरे से बिठा लीजिएगा। सब्सक्राइब